फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अभी हमारा मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था। इसमें हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। देखिए, होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हेन वी लुक इनटू वेरियस ऑपरेशंस ऑन नंबर क्लोजली, वी नोटिस सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं तब हमें प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी क्या क्या होती हैं। पहली एक एक्सरसाइज क्या दी हुई है कि कुछ सिंपल से कैलकुलेशंस दी हुई हैं कि कोई भी दो होल नंबर्स का आपस में आप एडिशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है। जैसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, 7 + 8। 7 + 8 कितना हुआ? 15। 7 इज़ अ होल नंबर, 8 इज़ अ होल नंबर एंड देयर सम 15 इज आल्सो अ होल नंबर। ओके, 5 + 5 इज अ होल नंबर, अगेन 5 इज अ होल नंबर एंड सम इज आल्सो अ होल नंबर। 0 + 15, दिस द सम इज आल्सो एंड होल नंबर। ओके, इस तरीके से आप किसी भी दो होल नंबर का एडिशन करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो भी एक होल नंबर ही आएगा। ओके, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपको पता चली, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। ओके, कोई भी दो होल नंबर का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट हमको होल नंबर ही मिलता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। ओके, मेन है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। जैसे हमने कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, 7 × 8, रिजल्ट क्या आया? 56। 7 इज अ होल नंबर, 8 इज अ होल नंबर एंड रिजल्ट 56 इज आल्सो अ होल नंबर। अगेन देखिए एक और एग्जांपल, 0 × 15, रिजल्ट क्या आया? 0। हाँ, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट 0 आता है, आप सबको पता ही है। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, कोई भी दो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये भी एक इसकी मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ओके, तो एक पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हम लोगों के होल नंबर्स की, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, इस तरीके से और भी प्रॉपर्टी हैं, तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल हो रही है होल नंबर में। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। जैसे क्या है, द होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन बाई 6 - 2, रिजल्ट क्या आया? 4। 6 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर, रिजल्ट इज आल्सो अ होल नंबर। ओके, बट व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 7 - 8, रिजल्ट क्या आएगा? 7 - 8। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना, बट 7 - 8 जब हम करेंगे तो आपने हमेशा अभी तक पढ़ा है कि जिससे माइनस कर रहे हैं वो नंबर बड़ा होना चाहिए। जब हम 7 - 8 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। ओके, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। आपको याद होगा हमने होल नंबर क्या बताया था, नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये -1 इस नंबर लाइन में नहीं आ रहा है, सो -1 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग अगर ये क्या कहते हैं, कोई भी दूसरा देखते हैं, 5 - 4, 1 आया, 1 इज़ अ होल नंबर, बट 3 - 9 का रिजल्ट क्या आएगा, -6 आएगा, सो -6 इज नॉट अ होल नंबर। तो ये सर्टेन नहीं है कि आप जब दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको होल नंबर ही आए। ओके, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर। ओके, सेम पैटर्न पे अगर हम डिवीजन में आ जाते हैं, डिवीजन में क्या है, आपने 8 / 4 किया, रिजल्ट आ गया 2। ओके, 8 इज अ होल नंबर, 4 इज अ होल नंबर एंड 2 इज आल्सो अ होल नंबर। सेम पैटर्न पे 5 / 7 करेंगे तो क्या होगा, 5/7। 5/7 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 5/7 अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखें या डेसिमल में लिखें
आपका होल नंबर की नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4 इस पे कहीं भी ये ना 0 पे आएगा ना 1 पे आएगा ना, ये फ्रैक्शन में ही कहीं आएगा। ओके, सिमिलरली 12 डिवाइड बाई 3, 4 इज़ अ होल नंबर। 6 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5 अगर आप करेंगे, मान लीजिए डेसिमल में आपने निकाला भी, तो कितना आएगा 1.2। 1.2 मीन्स ना 1 पे आ रहा है ना 2 पे आ रहा है, सो 6/5 इज नॉट अ होल नंबर। तो डिवीजन के लिए भी हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं होती है होल नंबर में। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ लिया, एक प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लीकेबल हो रही है होल नंबर्स में। ओके, नेक्स्ट डिवीजन बाई जीरो, चलिए इसको भी देख लेते हैं। छोटा सा है कि अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। ओके, डिवीजन आपको पता है कि आप कैसे करते थे। मान लीजिए सबसे सिंपल सा मेथड क्या था, डिवीजन बाई ए नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को जब डिवाइड करना है जिस नंबर से, तो उसी को बार 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 सब्ट्रैक्ट करते रहिए अंटिल आपका रिजल्ट जीरो ना आ जाए। और जीरो रिजल्ट आने के लिए जितनी बार आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, दैट स्टेप काउंटिंग और कॉल्ड रिजल्ट। ओके, कैसे देखते हैं, 8 डिवाइड बाई 2 था। ओके, सबसे पहले आपने 8 माइनस 2 किया, रिजल्ट क्या आया 6, एक स्टेप हो गया, 1 सब्ट्रैक्शन आपने परफॉर्म कर दिया, देन रिजल्ट जो आया 6, 6 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से फिर से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आ गया 4, सेकेंड स्टेप हो गया। ओके, दो बार सब्ट्रैक्शन कर लिया आपने, अगेन ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते रहिए, 4 माइनस 2 रिजल्ट आया 2, तीसरा स्टेप हो गया 2 माइनस 2 रिजल्ट आ गया 0, और ये हो गया फोर्थ स्टेप। मीन्स 0 तक पहुँचने के लिए आपको टोटल कितने स्टेप चलना पड़ा, 1, 2, 3 एंड 4, तो आपका रिजल्ट क्या आया, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, रिजल्ट आ गया 4। अगर इसी पैटर्न पे हम 0 से डिवाइड करें तब क्या होगा, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ 2 डिवाइड बाई 0, अब क्या करना है आपको, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है 0 को, ठीक है, 2 से, और जब तक आपका रिजल्ट रिमाइंडर 0 ना आ जाए, 2 से सब्ट्रैक्ट किया 0 को, रिजल्ट आया 2, एक स्टेप हो गया, अगेन 0 सब्ट्रैक्ट किया रिजल्ट आया 2, दो स्टेप हो गया, अगेन 0 सब्ट्रैक्ट किया रिजल्ट आया 2, तीन स्टेप, कंटिन्यूसली आप कितनी भी बार 0 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आता रहेगा, 2 ही आता रहेगा, 0 आपको नहीं मिलेगा। मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे आप, 2 डिवाइडेड बाई 0 का जो रिजल्ट है वो डिफाइंड नहीं है। मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 0, दिस सिंबल इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ओके, सो 2 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो अब हम किसी को भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट डिफाइन नहीं होता है, और 2 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है, 0। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या है कि जब हम नंबर का एडिशन कभी भी आपस में रिवर्स करते हैं, मीन्स जैसे हमारा 4+5 लिखा हुआ है, 4+5 का रिजल्ट क्या आएगा, 9, अगर हमने इसको रिवर्स करके 5+4 कर दिया तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो भी 9 ही आएगा। मीन्स होल नंबर की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको कम्यूटेटिव कर दें, मीन्स 4 और 5 की पोजीशन चेंज कर दें, तो भी रिजल्ट हमारा हमेशा सेम ही आएगा। ओके, किसी भी नंबर पे आप करके देखिए, मान लीजिए 9+6 है, 9+6 इक्वल्स टू 15, 6+9 करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 15। मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एडिशन की, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं कितना आता है, 10, 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है, 10। नंबर्स लाइन पे इसको करके भी दिखाया गया है, ठीक है, एडिशन का। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन का भी नंबर लाइन पे करके देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। ओके,
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। ओके, और किस किस भी चीज़ पे अप्लीकेबल होती है? केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन अगर हम करने जाएंगे तो मान लीजिए 6 - 3 रिजल्ट आया 3 अगर हम इसको कम्यूटेट कर दें तो 3 - 6 अगर कर दें तो रिजल्ट हमारा 3 आएगा, नहीं आएगा। अभी आपने ये सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका रिजल्ट आएगा -3। तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट अप्लीकेबल ऑन होल नंबर। इसी तरीके से डिवीजन पे भी अप्लीकेबल नहीं होता। मान लीजिए 16 / 4 है, रिजल्ट क्या आ गया आपका 4, लेकिन 4 / 16 सेम रिजल्ट आएगा, नो। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल। सो होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, पहली कौन सी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड दूसरी कौन सी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। इसके बाद में दो प्रॉपर्टी और बचती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय फ्रेंड्स, बाय।